अयोध्या में पुलिस लाइन कॉलोनी में रह रहे लोग अव्यवस्था से परेशान हैं। कॉलोनी में पानी, सड़क सहित अन्य सुविधाओं का अभाव है। रोड टूटी होने के कारण बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या हो जाती है, साथ ही लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता। कई सालों से निर्माण कार्य न होने से कॉलोनी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बता दें कि इसी कॉलोनी में सीओ का ऑफिस है, वहीं सीओ लाइन ने की गई बातचीत ने बताया कि अव्यवस्था के बारे में एसएसपी को अवगत करा दिया गया है, जल्द ही कॉलोनी की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और कब से क्या, जब से रह रहे हैं, हमको 2 साल हुआ है यहाँ पे रहते हैं। कौन सी कॉलोनी है ये? पुलिस कॉलोनी है। लगभग कितने क्वार्टर होंगे इसमें अंदाजा? एक एक बिल्डिंग में 12-12 है। तो यहाँ कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही है? अरे है, बिजली पानी ये सब की व्यवस्था तो है ही, लेकिन बस और क्या, लेकिन पूरा तरीके से नहीं मिल रही आपको? नहीं, और क्या व्यवस्था चाहिए, जो व्यवस्था है ही। हम इसमें अयोध्या में हैं, अयोध्या में रानोपाली के अंतर्गत आती है छोटी पुलिस लाइन कॉलोनी। आपको बता दें कि इस कॉलोनी में जो है लगभग 250 लोग रहते हैं, और 250 लोग जो रहते हैं इस कॉलोनी में, कॉलोनी का इतना बुरा हाल है कि कॉलोनी पूरी जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढा है, और जो है पानी के नल तो लगे हैं लेकिन वो नल बहते रहते हैं, कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है। इस समय जो है कुछ दिन पहले यहाँ पर जो सीओ लाइन जो है यहाँ पर आए हैं, और जाकर के उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को देखा है। हम उनसे बात करेंगे कि कैसी क्या व्यवस्था है, और हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। बताइए सर, क्या व्यवस्था है, और जिस तरह से व्यवस्था देखी आपने, क्या देखा है यहाँ पर अभी? नहीं, टेढ़ी बाजार की पुलिस लाइन है, टेढ़ी बाजार अयोध्या में छोटी पुलिस लाइन बनी हुई है। तो लगभग यहाँ टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक 80 आवास हैं, और सभी आवासों में लोग व्यवस्थापित हैं। पानी की जो थोड़ी मोड़ी असुविधाएँ थीं वो माननीय महोदय से, कप्तान साहब से अनुमति लेकर के उसे ठीक करा दिया गया है। और भी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे थोड़ा सा इनको डेंटिंग भी कराना है, जाली टूटी, कहीं पानी टूटी, गड़बड़ है, तो ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा धीरे धीरे देखी जा रही हैं, और माननीय महोदय से अनुमति लेकर सब व्यवस्थित कर दिया जाएगा और सब सुचारू रूप से चलेंगे। क्वार्टर में कौन रहता है, कौन लोग रहते हैं? ये टाइप 3 के आवास में सब इंस्पेक्टर रहते हैं, टाइप 2 के आवास में हेड कांस्टेबल रहते हैं, और टाइप 1 के आवास में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 4th क्लास के लोग रहते हैं। टाइप 3 के आवास में सब इंस्पेक्टर रहते हैं। तो मेन समस्या क्या आपने देखी यहाँ पर, कमियाँ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ रोड नहीं सही है, व्यवस्थाएं नहीं सही हैं? नहीं, लोड तो बहुत अच्छा, बिजली का लोड बहुत अच्छा है, अंडरलाइन व्यवस्थाएं सब की कर दी गई हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है। रोड पहले इसमें इंटरलॉकिंग हुआ था, लेकिन वो इंटरलॉकिंग बैठ चुकी है, तो रोड की व्यवस्था सही करानी है, रोड के संबंध में सुधार कराना है। और इससे ज़्यादा ज़रूरत है आवासों की, बिल्डिंग की थोड़ा मरम्मत, इनकी रंगाई पुताई, खिड़कियों की मरम्मत, दरवाजों की मरम्मत, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो कब तक ये ठीक ठाक हो जाएगी? अब हो जाएगी, माननीय महोदय से इसका हम अनुमति लेकर एस्टीमेट बनवा के दे देंगे, और मार्च तक जो ग्रांट आएगी उसमें हमारा अंदाज है पूरा कर लिया जाएगा। तो ये थे सीओ लाइन जयप्रकाश सिंह, जिनका कहना था कि जो है प्रस्ताव जो है यहाँ के जो कप्तान हैं आशीष तिवारी को दे दिया गया है, और जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाएगा इस कॉलोनी का उद्धार जरूर होगा। रूपेश श्रीवास्तव, लाइव टुडे, अयोध्या।